दोस्तों आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए एक नई पनीर की रेसिपी लेके, जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई करी होगी। एकदम डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कंग पाव पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने पनीर को मैरिनेट करना है। 400 ग्राम हमने पनीर लिया है, इसको हमने क्यूब्स में कट किया हुआ है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ गार्लिक डालेंगे और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देते हैं और साथ इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमने। चाइनीज कुजीन की ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं वहीं पे ही आपको ये मिलेगी। पनीर में ये सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो गई है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर आगे बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। 10 मिनट हो गए हैं पनीर को मैरिनेट किए हुए। अब पनीर को हमने स्टर फ्राई करना है। एक एक करके पीस डालेंगे। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, 400 ग्राम हमने पनीर लिया है। ये सारे पीसीज हमने डाल दिए पनीर के, चारों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। आप इसकी साइड चेंज करते रहें और चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लें। यहाँ पे आप देखिए पनीर में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, चारों तरफ से पनीर में कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों पनीर तो हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। आगे कंग पाव सॉस बनाने के लिए एक तैयारी हमने और करनी है। एक बाउल में हमने 3 टेबलस्पून सोया सॉस लेनी है और 2 टेबलस्पून इसमें हनी डालेंगे। वन टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे और 2 कप हमने इसमें वेजिटेबल स्टॉक डालना है। अगर आपको वेजिटेबल स्टॉक नहीं बनाना आता तो ऊपर राइट साइड पे लिंक आ रहा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। आपने इसको मिक्स करना है। बाहर तो बहुत कॉस्टली ये सॉस मिलती है, घर में आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप इजीली बनाएं और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट घर पे ही पाए। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। चलिए आगे हम पनीर बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, फ्लेम हमने मीडियम रखी है। इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल देंगे चॉप। मिक्स कर देते हैं, साथ ही इसमें रेड चिल्ली डालेंगे, जो फ्रेश वाली रेड चिल्ली होती है वो हम ले रहे हैं 2, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया। मिक्स कर देते हैं, साथ ही इसमें जो हमने वेजिटेबल स्टॉक से कंकॉक्शन बनाया था वो डाल देंगे और एक बॉयल आने का वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा बॉयल आना शुरू हो गया। 4 से 5 मिनट हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को ऐसे कुक होते हुए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। 1/2 कैप्सिकम हमने ली थी, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है और 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। इसमें आपको स्वीट फ्लेवर आएगा, टेंगी फ्लेवर आएगा और स्पाइसी फ्लेवर आएगा। बहुत ही मजे का ये पनीर बनता है, इसको आप जरूर ट्राई करें और फ्राइड राइस के साथ इसको आप खाएं। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें पनीर डालेंगे जो हमने फ्राई किया था। मिक्स कर देते हैं और साथ ही इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसको हमने ठंडे पानी में घोल लिया, 2 टेबलस्पून हमने लिया था, ये हम डाल देते हैं। थोड़ी ये थिक ग्रेवी होती है, मिक्स कर देते हैं। आप चिली पनीर भी बनाते होंगे, शेजवान पनीर भी बनाते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसको आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप देख रहे होंगे थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये आप देखिए। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको और ऐसे कुक करना है, जो सॉस हमने बनाई है पनीर के ऊपर पूरी तरह कोट हो जानी चाहिए। इस चीज़ का आपने खास कर ध्यान देना है।
इतना गाढ़ा होना चाहिए। जब भी आप कॉर्नफ्लोर घोलें थोड़े से पानी में ही घोलें, ज़्यादा पानी में ना घोलें। अगर ज़्यादा पानी में आप घोल देंगे, अगर उसको किसी भी चीज़ में आप डालेंगे तो ऊपर वाइट लेयर आ जाती है। उसी वजह से ही वाइट लेयर आती है, क्योंकि आप जब कॉर्नफ्लोर डालते हैं काफ़ी आपका पतला होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कोई वाइट लेयर नहीं आई है। ये आप देखिए कितना अच्छा ग्लेज आ रहा है। 2 मिनट तो आपने कॉर्नफ्लोर डाल के कुक तो करना ही है। किसी भी रेसिपी में आप यूज़ करते हैं 2 मिनट आप ज़रूर कुक करें, क्योंकि इतना टाइम लगता है कॉर्नफ्लोर को कुक होने में। 3 से 4 मिनट हो गए हैं कॉर्नफ्लोर डाल के भी कुक करते हुए। चलिए अब हम इसमें रोस्टेड पीनट्स डालेंगे, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं। तो फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। कोंगपाव पनीर बनके एकदम तैयार हो गया है। इसको आप जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। सॉस अच्छे से कोट हो गई है पनीर के ऊपर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको ट्राई तो जरूर करें और फिर अपने कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें कि हमें भी पता लगे ये आपको कैसी लगी। फिर मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।